कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बीच दिल को झकझोर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में तंगहाली के शिकार परिवार के एक व्यक्ति को बैल के साथ जुतकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ी खींचते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के दावों के मुताबिक यह वीडियो इंदौर जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 आगरा मुंबई राजमार्ग बताया जा रहा है। इस वीडियो में राजमार्ग पर एक बैलगाड़ी धीमी चाल से आगे बढ़ती दिखाई देती है, जिसमें एक बैल और एक व्यक्ति साथ साथ जुते नजर आते हैं। घर गृहस्थी के कुछ सामान से लदी बैलगाड़ी में एक महिला और एक युवक बैठे दिखाई दे रहे हैं। बैल के साथ जुतकर गाड़ी खींचता दिखा व्यक्ति वीडियो में अपना नाम राहुल बता रहा है और उसकी उम्र 40 साल के आसपास मालूम पड़ती है। बैल के साथ गाड़ी में जुता व्यक्ति वीडियो में कहता सुनाई पड़ता है, मैं इंदौर शहर के पास स्थित पत्थर मुंडला गाँव का रहने वाला हूँ और नजदीकी कस्बे महू से निकला हूँ। गाड़ी में मेरी भाभी और छोटा भाई बैठे हैं। हम गांव देहातों की ओर जा रहे हैं। बैल के साथ गाड़ी में जुते व्यक्ति ने लाचारगी भरे स्वर में कहा, लॉकडाउन के कारण बसें भी नहीं चल रही हैं। अगर बसें चलती तो हम बस से ही सफर करते। मेरे पिता, मेरा भाई और मेरी बहन आगे पैदल चले गए हैं। राहुल ने बताया कि उसका परिवार गांव-गांव घूमकर बैलों की खरीद फरोख्त का काम करता है। वीडियो में इस व्यक्ति ने कहा, आखिर हम क्या करें, मेरे पास 2 बैल थे लेकिन मेरे घर में आटा और खाना पकाने का दूसरा सामान खत्म हो गया था। इसके चलते मैंने 15,000 रुपए कीमत का एक केबल 5,000 रुपए में 15 दिन पहले ही बेच दिया ताकि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं। इस बीच प्रशासन ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट SDM प्रतुल सिन्हा ने बुधवार को बताया, मैंने महू की जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO को मामले की पूरी सच्चाई पता लगाने के निर्देश दिए हैं। सिन्हा ने बताया कि वीडियो में बैलगाड़ी में जूते दिखाई दिए व्यक्ति की तलाश की जा रही है और संबंधित सरकारी योजना के तहत उसके परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।